नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की अम्बाला के जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर लेकर हम सबसे पहले आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। जी हां, कोरोना वायरस से संबंधित ये खबर है और आपके शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। जी हां, बता दें कि अम्बाला में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। एक महिला है जो 35 वर्ष की है, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और सबसे खास बात इस मामले में ये है कि ये महिला कर्मचारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है और ये ANM है। बतौर ANM ये अम्बाला छावनी में ड्यूटी कर रही थी और कल रात इनका सैंपल जो है वो भेजा गया था, जिसके बाद आज इनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और ये महिला है 35 वर्षीय जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अम्बाला छावनी में जो कंटेनमेंट जोन बनाया था, आपको एक बार जरा बता दें कि अम्बाला छावनी के HS कोहली जो है वो उनकी वहां पर कोरोना की वजह से मौत हुई थी और उसी इलाके में इसने ANM की जो ड्यूटी थी लगाई गई थी और वहां पर इनका सैंपल लिया गया, तो आज इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। बता दें कि ये कंटेनमेंट जोन जो है वो वहां पर HS कोहली के पॉजिटिव आने के बाद बनाया गया था, क्योंकि HS कोहली जो है वो कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो चुके थे और उसके साथ साथ जो उनकी एक पारिवारिक संबंधी थी उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो एरिया काफी सेंसिटिव माना गया था, उस एरिया को सील कर दिया गया था, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन वहां पर बनाया गया था और उसी कंटेनमेंट जोन में ये ANM जो है 35 वर्षीय वहां पर ड्यूटी दे रही थी। और आज बड़ी खबर हम सबसे पहले आपको ये दे रहे हैं कि वही ड्यूटी कर रही ये ANM 35 वर्षीय जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो सबसे बड़ी खबर हम इस समय आपको अम्बाला की दे रहे हैं कि अब अम्बाला में कोरोना के जो कुल मामले हैं वो 8 हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन जो कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है अम्बाला में वो 8 जा पहुंचा है। देश में लगातार कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में अम्बाला से भी आज एक और रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। अम्बाला छावनी में ANM है, ये स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है 35 वर्षीय, इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और ये लगातार कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर ड्यूटी दे रही थी, घर घर जाकर ये काउंसलिंग की तरह पूछताछ कर रही थी और वहां पर जिस तरह से में कुछ लक्षण है वो सामने आए थे और उसके बाद इनकी जो सैंपल्स हैं वो लिए गए थे और वो सैंपल्स की रिपोर्ट जो है वो आज पॉजिटिव आई है। तो आपके अम्बाला में एक और कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया और इस वक्त मेरे सहयोगी कमलप्रीत सबरवाल वो अम्बाला के CMO के पास मौजूद हैं और आधिकारिक पुष्टि आधिकारिक जानकारी अम्बाला के CMO से लेंगे। जी कमलप्रीत जी, देखिए बिल्कुल हरप्रीत, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम अम्बाला शहर जो है वो CMO कार्यालय में है और खुद CMO साहब जो है वो हमारे साथ हैं। बकायदा इस खबर की पुष्टि जो है वो हम कर रहे हैं कि एक और कोरोना पॉजिटिव मामले के साथ ही अम्बाला में कुल 8 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ये एक ANM स्टाफ की जो है वो ये युवती थी, 35 साल की ये युवती है, जो बकायदा कंटेनमेंट जोन में जो है इसकी ड्यूटी लगाई थी। खुद जो है CMO साहब वो हमारे साथ हैं, उनसे जो है वो पूरी जानकारी लेंगे। CMO साहब, 8वां कोरोना पॉजिटिव जो मामला है वो सामने आ गया है, किस तरह से पता लगा और कहां पर तैनात थी ये ANM नर्स? देखिए हमारी रूटीन स्ट्रेटजी है, अब जो कंटेनमेंट जो हाई रिस्क एरिया में कोई भी वर्कर काम, हेल्थ वर्कर या कोई पैरामेडिक्स या कोई भी डॉक्टर हाई रिस्क एरिया में काम करेगा उसकी टाइम टू टाइम हम रैंडम टेस्टिंग करवाते हैं। तो इसी के तहत हमने लगभग 12 हेल्थ वर्कर्स के सैंपल भेजे थे, जिनमें से 11 नेगेटिव आए हैं। एक ये 35 साल की हमारी हेल्थ वर्कर है, ANM है, ये पॉजिटिव आई है। ये जो कंटेनमेंट जोन जो टिम्बर मार्केट और उसकी सराउंडिंग कॉलोनीज को बनाया गया था उसमें काम करती है, उसी कंटेनमेंट जोन में जो है वो 67 वर्षीय एक जो है बुजुर्ग, उनकी भी पहले मृत्यु हो चुकी है। तो क्या ये शुरू से वहीं पर तैनात थी, क्या कुछ जो है वो जानकारी? इसको हमने तैनात किया गया था जब उसकी बुजुर्ग की वहाँ पर डेथ हो गई थी, उसके बाद एक लगातार एक उन्हीं के घर से उनकी समधन पॉजिटिव आई थी, उसके बाद से हमने कंटेनमेंट जोन की स्ट्रेटजी बना के घर घर जाके हमारी टीमें ये काम कर रही थी। अगर किसी को भी कोविड लाइक सिम्टम मिल रहे हैं तो उसकी हम उनकी जांच करवा रहे हैं। अब तक उस कंटेनमेंट जोन से हम लगभग 114 सैंपल हम टेस्ट करवा चुके हैं, जिनमें से सारे के सारे नेगेटिव आए हैं, सिर्फ इस हमारी हेल्थ वर्कर को छोड़ के जो ANM है, स्कूल हेल्थ की ANM है, उसको लगातार पिछले लगभग 10 दिन से उस एरिया में जा रही थी। सर तो कुछ जो है अभी कॉन्टैक्ट्स पता किए गए हैं कि जो ANM थी उनके संबंध में जो है वो कौन कौन से लोग थे, उनके परिवार के कौन कौन लोग थे जिनसे वो संपर्क में आई, उनको लेकर जो है आप क्या एहतियात बरता जा रहा है? अभी हम इसी टाइम पे हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, इसमें जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 12 सैंपल हमने पहले भेज चुके हैं और जिनके बाकी के सैंपल रह गए हैं जितने भी हेल्थ वर्कर हैं
उन सभी के सैंपल हम आज रात को ही भेज रहे हैं ताकि पुष्टि हो सके कि भी किसी और वर्कर में जो और हेल्थ एम्प्लाइज में तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हो गया है और इसको तुरंत प्रभाव से क्वारंटाइन कर दिया गया है, आइसोलेशन वार्ड में हम इसको भेज रहे हैं। तो परिवार के लोगों को भी, हाँ परिवार के लोग क्वारंटाइन में रहेंगे अगले 14 दिन तक। और ये युवती आइसोलेशन वार्ड जब तक नेगेटिव नहीं आती आइसोलेशन वार्ड में रहेगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग जो है एहतियातन बाकी भी जो वहाँ पर स्टाफ के लोग हैं उनके भी जो है वो सैंपल ले रहे हैं। इसके अलावा इनके जो परिवार के लोग हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। बहरहाल बड़ी खबर यही थी कि अब अम्बाला में कुल 8 मामले हो चुके हैं, लिहाजा हम भी लोगों से अपील करेंगे कि कृपया सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि दूरी बनाए रखने से ही सिर्फ इसका बचाव है। जी हरप्रीत, तो सुना आपने कि अम्बाला के सीएमओ ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि अम्बाला में 35 वर्षीय ये महिला जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और एएनएम है, ये स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी हैं और लगातार कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी दे रही थी और इसके बाद इनके पॉजिटिव आने के बाद अब इनके परिवार को भी क्वारंटाइन कर लिया गया और इन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया है जहाँ पर इनका अब इलाज किया जाएगा। ऐसे में अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार पहले दिन से आपसे यही अपील कर रहे हैं और आज फिर हम आपसे यही अपील करेंगे, आप अपने घरों में बने रहें क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, इसके मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दे रहे थे कि आपके शहर में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। 35 वर्षीय स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी एएनएम जिसे हम कहेंगे वो पॉजिटिव पाई गई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी खबरें फेसबुक पेज पर देखते रहिए और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।